लड़ेंगे, हर बच्चे को पढ़ने का, हर बच्चे को पढ़ने का। पालकों की ताकत यानी पेरेंट्स की ताकत के सामने आखिरकार नगर पालिका के अधिकारियों को झुकना पड़ा। उन्हें लिखित रूप से लिख करके देना पड़ा कि आने वाले 10 से 15 दिनों में स्कूल प्रशासन, संचालकों, नगर पालिका के शिक्षण विभाग के अधिकारी, मनपा के अधिकारियों और शिक्षण विभाग के अधिकारियों की बैठक लगाई जाएगी। और जिस तरीके से कोरोना काल में स्कूल मनमानी तौर पर लूटमार करते हुए फीस वसूल कर रही है, बोर्ड के बच्चों के फॉर्म नहीं भर रही है, फीस के लिए अड़ी है, बच्चों को बाहर किया जा रहा है, ऑनलाइन क्लासेस से हटाया जा रहा है, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद किसी भी बच्चे को शिक्षा से वंचित नहीं रखा जा सकता, इसका पालन नहीं हो रहा था, जिसके विरोध में आज नया नगर का मुस्लिम समुदाय ने नगर पालिका का घेराव किया था और वो अड़ बैठे थे कि उन्हें न्याय दिया जाए और मिसकेलेनियस फीस और अन्य फीस जिस तरीके से ज़्यादती करके वसूला जा रहा है, बच्चों के फॉर्म नहीं भरे जा रहे, बोर्ड से उनसे वंचित रखा जा रहा है, इसके विरोध में सादिक पाशा आम आदमी पार्टी द्वारा मोर्चे का आयोजन किया गया था। इस आयोजन में आते समय महाराष्ट्र सुरक्षा बल के रक्षकों ने इनके साथ काफ़ी बदतमीजी की, पत्रकारों के साथ बदतमीजी की, क्योंकि उन्हें मनपा के वरिष्ठ अधिकारियों का संरक्षण प्राप्त है। आयुक्त और उपायुक्त मारुति गायकवाड़ को लोगों ने, पत्रकारों ने 500 फोन किए, जिसके बाद पत्रकारों को भी अंदर आने दिया गया, नहीं तो अन्यथा उन्हें भी बाहर रखा गया था। कुल मिलाकर के नगर पालिका का घेराव करने के बाद मनपा प्रशासन झुकी है और आज उन्हें पत्र दिया। सरकार झुकी है, तुम्हारी मांगे आपके लोग बस आधी आधी लड़ाई हो चुकी है, थोड़ी और बाकी है, अब पूरी होनी बाकी है। अभी तक पूरा हक नहीं मिला है, अभी तक पूरा हक नहीं मिला है, जब पूरा हो जाएगा तब हक हमारा पूरा हो जाएगा, हमारी जो लड़ाई है वो पूरी हो जाएगी, हम जीत जाएंगे। आज नगर पालिका ने फैसला लिया है कि आपके साथ बैठ करके बात करेंगे, क्या कहेंगे? हम लोग स्कूल की, हमारे को जो प्रेशर दिया गया है स्कूल की तरफ से कि आप मिसलिनियस फीस स्कूल की कंप्लीट भरो, अगर आप नहीं भरते हो तो आपके बच्चे को हम क्लास में बैठने नहीं देंगे, पढ़ने नहीं देंगे। हमारे बच्चे 10वीं में भी है तो भी वो बच्चों को वापस भेज दिया गया, उनको फॉर्म भरने के लिए बोला, रोका गया है कि हम आपका बोर्ड एग्जाम का फॉर्म भरने नहीं देंगे जब तक आप, ऐसा किसी स्कूल वाला नहीं किया। इंग्लिश हाई स्कूल नया नगर, उन्होंने हमारा, मेरा अपना बेटा 10वीं क्लास में है जिसको क्लास से वापस बाहर भेज दिया गया, वो बच्चा इतना सीरियस है अभी कि 2 महीने बचे एग्जाम को, बच्चे को क्लास में बैठने नहीं दे रहे, आपकी पढ़ाई बंद, आप फीस का इंतजाम करो, आप कहीं से कर्जा लाओ, कुछ भी करो, हम नहीं जानते, आपको फॉर्म भरने नहीं देंगे, हमारे बच्चे की 650 रुपये जो फॉर्म की फीस है वो भी उन्होंने वापस कर दी कि हम नहीं लेंगे, जब तक आप हमारी मिसलिनियस फीस नहीं भरोगे हम बच्चे को क्लास में बैठने नहीं देंगे, चाहे वो 10वीं का हो चाहे वो सीनियर केजी का हो। सीनियर केजी वाला है जिसका ऑनलाइन क्लास रोक दिया गया, वो बच्चा घर में है मगर उसके ऑनलाइन क्लासेस बंद है। 10वीं वाली जिसकी स्कूल चालू है मगर उसको क्लास के अंदर नहीं ले रहे, और भी दूसरी छठी क्लास के बच्चे हैं जिनको एक टांग के ऊपर गेट के बाहर खड़ा कर दिया गया कि आपने फीस नहीं भरे, आपको हक नहीं है स्कूल के अंदर आने का, ये स्कूल वालों का बोलना है। क्या ये ऐसा हो सकता है? हम अपने बच्चों के लिए लेकर सादिक भाई के पास गए अपना हक मांगने के लिए कि सादिक भाई आप हमारी मदद करो, हम यहाँ के कानूनों से वाकिफ़ नहीं हैं, हम घर में बैठे हैं, हमको कुछ भी मालूम नहीं है, मगर स्कूल वाले हमारे साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हैं। सादिक भाई हमारी मदद के लिए आ गया है और हम अपने बच्चों को लेकर यहाँ पर आके बैठे अपना हक मांगने, आज अल्लाह के करम से हमको हक मिला है और अब हम अपने खुशी खुशी अपने घर जा रहे हैं। तो आपने देखा कि पेरेंट्स ने इस बानेगर स्कूल की मनमानी के बारे में बताया, किस तरीके से परेशान किया जा रहा है, बोर्ड के बच्चों को फॉर्म नहीं भरा जा रहा है, उन्हें शिक्षा से वंचित रखा जा रहा है। कुल मिलाकर के आज जिस तरीके से महानगर पालिका में नया नगर से जो मोर्चा आया था उसके साथ यहाँ की महाराष्ट्र सुरक्षा बल के रक्षकों ने भी काफ़ी बदतमीजी की, धक्का मुक्की की, लोगों को आने से रोका, उन पर हंगामा किया, यहाँ तक के हाथापाई होने की नौबत आ गई थी। कमिश्नर ने हस्तक्षेप करने के बाद कुछ लोग अंदर रहे, कुछ लोग बाहर रहे, पत्रकारों को भी रोका गया, पत्रकारों के साथ भी बदतमीजी की गई। कुल मिला के महाराष्ट्र सुरक्षा रक्षक मंडल की यहां पे दादागिरी भी देखने को मिली है। इस जगह पर आप देख सकते हैं महानगर पालिका के सुरक्षा रक्षकों की दादागिरी है। उपायुक्त मारुति गायकवाड़ को और कमिश्नर आयुक्त को बोले जाने के बाद यहाँ पर लोगों को छोड़ा गया है। करीब 1 से 1.5 घंटे से ये लोग खड़े थे यहाँ पे, परेशान है, बेहाल है। महाराष्ट्र सुरक्षा रक्षक मंडल की ये दादागिरी आप यहाँ पे देख सकते हैं।
पत्रकारों के भी आई कार्ड देखने के बाद उन्हें छोड़ने से मना कर रहे थे। आखिरकार उन्हें मारुति गायकवाड़ उपायुक्त ने जब उनके अधिकारी को भेजा, उन्होंने इन्हों आकर के यहाँ पे इन्हें सबको छोड़ा है। कोरोना काल में भयंकर महामारी के दौर में भी स्कूल प्रशासन पालकों के साथ में किस तरीके से मनमारी कर रहा है, लूट रहा है, जिसके प्रति आज मीरा भाईंदर महानगर पालिका में आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं, ये स्कूल प्रशासन के खिलाफ, नगर पालिका प्रशासन के खिलाफ मोर्चा है। करीब 1.5 से 2 साल से ये लोग लड़ रहे हैं स्कूल की मनमानी फीस को लेकर के, जिसके नेतृत्व में ये मोर्चा निकाला गया। इस वक्त मेरे साथ में सादिक पाशा और सुखदेव जी है, आइए जानते हैं उनकी क्या है राय और स्कूल प्रशासन नगर पालिका प्रशासन का क्या है कहना। देखिए, पिछले कई कम से कम जब से कोरोना का पैंडेमिक हुआ तब से हम एक ही चीज़ कह रहे हैं कि कई सालों से प्राइवेट स्कूल जो है मिसलेनियस फीस के नाम पे लोगों से इलीगली पैसा वसूल रहे हैं। मिसलेनियस फीस कहीं पर कानूनन है नहीं, लेकिन पैंडेमिक में कम उन्होंने वो छोड़ देना चाहिए, वो बंद कर देना चाहिए, ऐसा रिक्वेस्ट लेकर हम पिछले साल से लड़ाई लड़ रहे हैं। पिछले साल कुछ 300 से 400 बच्चों का जो लड़े उनका काम हुआ, फीस छोड़ना पड़ा स्कूल को, परंतु इस साल उन्होंने वापस शुरू कर दिया। तो जब हम यहाँ पर बात करने आए सब आए तो नगर पालिका ने उनको नोटिस भेजने की जगह पर हमको नोटिस दे दिया कि प्राइवेट स्कूल्स के बाद जो भी नगर पालिका काम नहीं कर रही एजुकेशन पर आप बोल रहे हो तो आपका मानवानी करेंगे। तो उसके विरोध में आज हम पेरेंट्स को लेकर यहाँ पर आए बताने के लिए कि ये कोई व्यक्तिगत किया हुआ मसला नहीं है, ये हो रहा है लोगों के साथ और लोग यहाँ पर आए हुए हैं उसके लिए, तो लोग यहाँ पर आए हुए उस लड़ाई के लिए। तो आज हमने यही मांग करी है कि सारे मीरा भाईंदर के प्राइवेट स्कूलों को आप नोटिस भेजिए, आप उनको बोलिए कि जो सरकार द्वारा तय है ट्यूशन फीस वही लेना चाहिए, मिसलेनियस फीस, एक्टिविटी फीस, इतर आदि के नाम से जो भी लेते हैं वो नहीं लेना चाहिए, ऐसा आप नोटिस भेजिए। ऐसा हमने उनको लिखित तौर पर देने को बोला है और उन्होंने हमको ये लिखित तौर पर लेटर भी दिया हुआ है। जो स्कूलों को लेकर हमने कंप्लेंट किया था उनके खिलाफ नोटिस आज निकाला है, तो आने वाले 10 दिनों में सारे मीरा भाईंदर के प्राइवेट स्कूलों की मीटिंग वो लेंगे, ऐसा उन्होंने बोला है, उसमें हम भी रहेंगे, तो वहाँ पर हम स्कूल प्राइवेट और स्कूलों से बातचीत कर लेंगे। क्या लिखित में आपको नगर पालिका ने पत्र दिया कि हम आपके साथ में बैठ कर के मसला हल करेंगे? देखिए, अब उन्होंने क्योंकि ये जो मांग है ये हमने आज ही प्रेजेंट की, हम तो अभी तक ये मांग कर रहे थे कि जो छोटा सा काम है कि अगर कोई कंप्लेंट आपके आ रहा है कोई स्कूल के खिलाफ तो आप पहले स्कूल को नोटिस तो भेजो, तो उन्होंने तो वो भी नहीं किया था। तो आज हमको जो लेटर मिला है वो ये तो नहीं मिला, ये तो उन्होंने वर्बली बोला डिप्टी कमिश्नर ने कि हम 10 दिन के अंदर मीटिंग करेंगे। आज हमको लिखित में जो स्कूल को नोटिस भेजी गई है उनको बुलाया गया है, हम यही डिमांड कर रहे थे कि आप बुलाइए ना प्रिंसिपल को, आप मैनेजमेंट के लोगों को बुलाइए, उनसे सवाल करिए। तो वो लिखित तौर पर स्कूल वालों को बुलाया गया है, वो लेटर मुझे दिया गया है, 2-3 स्कूलों के बारे में दिया गया है इस तरीके जिसकी कंप्लेंट थी। नहीं, लेकिन इसमें नगर पालिका कितना योगदान देगी आपकी समस्या हल करने की, क्योंकि मसला तो राज्य सरकार से भी संबंधित है ये? नहीं, ऐसा देखिए, अगर सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय लिया, जजमेंट दिया है कि कोई बच्चे को स्कूल से बाहर निकालना नहीं चाहिए, फीस भरे या ना भरे, एक जीआर आया हुआ है स्टेट गवर्नमेंट का 15% वाला फीस का मामला, फीस कम करना चाहिए, जीआर आया। अब हमने नगर पालिका से सवाल किया, हम तो यही बोल रहे हैं, हमारा ये मानना है कि महानगर पालिका के एजुकेशन डिपार्टमेंट कमिश्नर, इनका काम है ये जीआर को लागू करना, इनका काम है ये देखना कि अगर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट का वायलेशन हो रहा है तो वो प्रोएक्टिवली कुछ करें, वो जो भी हायर अथॉरिटी है स्टेट गवर्नमेंट है उन तक लेटर इनको भेजना चाहिए। हमने इनको यही बोला कि अगर आपको लगता है कि आपके परव्यू के बाहर की चीज़ है आप लिख के बोल दीजिए कि हमारा काम नहीं है, आप डायरेक्टली चीफ मिनिस्टर को मिलो, तो हम चीफ मिनिस्टर को मिलेंगे, तो चीफ मिनिस्टर को पता चले कि किस तरीके से बात हो रहा है यहाँ पर। तो ये तो काम ढकेलने की बात है, इससे हम सहमत नहीं है। हमारा मानना है एजुकेशन डिपार्टमेंट का पूरा फर्ज है, पूरा जिम्मेदारी है कि जो ऑडिट वाली जो ऑडिट आती है उसका नज़र रखे, स्कूलों पर नज़र रखने काम नगर पालिका के एजुकेशन डिपार्टमेंट का, ये हमारा ठोस रूप से हमारा मानना है, राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत बोल रहे हैं और देश के संविधान के हिसाब से बोल रहे हैं। इस आंदोलन को दबाने के लिए भी प्रयास किया गया? जी, वही मैं कह रहा हूँ कि बहुत अचरज की बात है कि जब हम आंदोलन कभी भी इसके पिछले साल हमने आंदोलन किया तो स्कूल को नोटिस भेज दिया गया था कि भाई आपके यहाँ पे ऐसा कंप्लेंट आया कुछ करिए, तो स्कूलों ने किया। जब एजुकेशन डिपार्टमेंट का लेटर जाता है, कमिश्नर का लेटर जाता है, तो स्कूल को भी तो डर लगता है ना, क्योंकि ये स्कूल जो है बनी किस जमीन पर है? सरकारी रिजर्व प्लॉट पे बनी है, जिस पे स्कूल प्राइवेट सरकारी स्कूल बनना था उस पे प्राइवेट बनी है। तो पिछले साल उन्होंने ये किया था, पर इस साल इन्होंने क्या किया, इन्होंने स्कूल को नोटिस भेजा ही नहीं, इन्होंने हमको नोटिस भेजा, ये हमको कह रहे हैं बार बार कि आपके खिलाफ डिफॉर्मेशन नोटिस करेंगे, तो इसका भी हमने खंडन किया है और हमने सीधा बोला है कि इस तरीके से धमकियाँ देना बंद करें और ये नोटिस वापस लीजिए, नहीं तो आने वाले दिनों में इसका भी जो है लड़ाई मुद्दा बनाया जाएगा, क्योंकि सवाल करना हमारा काम है। आज आप यहाँ पर हमको गेट में आने नहीं देते, लोगों को रोक देते, तो लोग जाए कहाँ? सवाल ये है, लोग जाए कहाँ? मैदान में बैठेंगे, आप सुनेंगे नहीं। तो इस तरीके से जनवाद का गला घोटने का काम सरकारी अधिकारी कर रहे हैं, इसके खिलाफ भी जो है आने वाले दिनों में लोगों को संगठित करने का काम हक है और जो भी लोग जुड़े हैं वो लोग करेंगे। इस वक्त सुखदेव जी है, उनका क्या कहना है, उनका उनसे जानते हैं। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि इतने बच्चे जो जिनको स्कूल से निकाल दिया गया है, जिनके ऑनलाइन एजुकेशन बंद कर दी गई है,
वो लोग आज वहाँ पर यहाँ पर आए हैं। ऐसे में तो ये जो अधिकारी हैं ऊपर बैठे हैं उनको खुद आकर इन बच्चों से पूछना चाहिए था, लेकिन कहीं ना कहीं वो मानवता इनके अंदर दिखाई नहीं दी। लेकिन आने वाले समय में जिस तरीके से इन्होंने कहा है कि 15 दिनों का हमको टाइम उन्होंने दिया है कि हम सभी स्कूल और पेरेंट्स की एक मीटिंग एक हॉल में बुलाएंगे, हम पूरे मीरा भाईंदर के पेरेंट्स लोगों को आह्वान करते हैं जिनको अपने बच्चों के भविष्य की चिंता है वो उस हॉल में आए और सामने सामने प्रशासन और स्कूल के जो अधिकारी हैं उनके सामने सामने प्रश्न करें। और मैं तो ये मांग करूंगा कि जो स्कूल का अगर उस समय ऐसा लगता है कि उन्होंने गलत किया है उसी समय उनको सस्पेंड करना चाहिए, उनके एजुकेशन का पूरा जो उनको सहूलत मिलती है महानगर पालिका से उसको ख़त्म करना चाहिए। हम वापस आएंगे, लड़ेंगे, हर बच्चे को पढ़ने का, हर बच्चे को पढ़ने का। जोया, जो लोगों ने आज जो पुलिस प्रशासन ने हमको मदद किया सहभाग किया उसको जरा थैंक यू, जो थैंक्स वाला वाला करो। फिर हम लोग ये थैंक यू होने के बाद हम जो यहाँ से जा सकते हैं। और जिसको अगर किसी को मार मार लगा हो ज़्यादा कुछ है थोड़ा सा हुआ तो आप जो है मेरे पास आओ, वो कंप्लेन भी हम करेंगे उनके खिलाफ जो भी जिन्होंने गेट रोका, जिन्होंने नगर पालिका में आपको आने से रोका। लेडीज लोग को इस तरीके से करना गलत है तो वो लोग भी सामने आए, बाद में मुझे मीटिंग के बाद मिले, अपन कंप्लेन करेंगे। सिक्योरिटी गार्ड है, उनका काम है संविधान का देखना, यहाँ कमिश्नर के लिए नहीं है, संविधान के लिए है ये लोग सब। तो जो बाहर रोका ना जिस लोगों ने, अगर आपको लगा है तो आप सामने आओ, उसके भी अपन कंप्लेन करेंगे। लगाओ लेडीज लोग, लेडीज लोग को लगाओ ना, आपको लगाओ ना सर। इसी तरीके की खबरों के लिए मेरे यानी शकील शेख और सौरभ राठौड़ के साथ बने रहे, देखते रहे सिटी न्यूज़ मुंबई।